अरे आलू ले लो आलू। अरे भैया आप जलेबी बेच रहे हो तो आलू की आवाज़ क्यों लगा रहे हो? अरे बेवकूफ चुप जा, अगर मक्खियों ने सुन लिया ना तो यहीं आकर बैठ जाएंगी। इसलिए मैं आलू बोल रही हूँ, बेवकूफ बना रही हूँ मक्खियों का। मुझे तो तुम ही बेवकूफ लग रहे हो। अरे भैया बकरा कितने का है? कौन सा वाला? ये वाला 1,00,000 रुपए का है। 1,00,000 रुपए का? ऐसी क्या खास बात है इसमें? अरे मैडम जी ये बहुत पढ़ा लिखा बकरा है और समझदार भी है, इसलिए महंगा है। मैं कैसे यकीन मान लूं? बेटे बकरा कौन है यहाँ पर? देखा मैडम जी कितना समझदार है ये। सही कह रहे हो भैया, लाओ दे दो एक। लो। अरे भैया आम कितने को दिए? अरे मैडम 200 रुपए किलो है ये आम। अरे भैया सही लगा लो। अबे लग रही है 5-10 किलो लेगी दिखे। अरे मैडम 160 रुपए किलो लग जाएंगे। अरे भैया अब भी महंगे हैं, थोड़े और कम लगाओ। अरे मैडम 100 रुपए किलो लग जाएगा, अब ये बताओ 10 किलो कर दो 15 किलो। आधा किलो दे दो भैया। अबे आधे किलो के लिए इतना सौदा कर रही थी, कट्टा किस लिए लेकर आई है? अरे ये कट्टा तो मैं मंडी से सब्जी लेने के लिए लाई हूँ, अचार डालने के हम भी लेके जाऊंगी ना। अरे 200 रुपए किलो मिलेंगे ना तो मत ले। सुनो तुम रोज मुझसे 500 रुपए मांगते रहती हो ना? हाँ। आज मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, बस तुम्हें उसके आंसर देने हैं, 500 का नोट दूंगा। हाँ ठीक है पूछो। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तुमने सुबह क्या खाया था? आलू के पराठे। मेरे राजू पैसे चुराए थे वो कहाँ है? किचन में चावल के डिब्बे में रखे है। अब पकड़ी गई ना चोरी, मैं तो पहले से कह रहा था तुमने चुराए। ये तो चीटिंग है। अरे भाई साहब कोई अच्छी सी टी शर्ट दिखाना। रुको भैया एक ऐसी टी शर्ट दिखाऊंगा आपको, आपका देखते ही दिल खुश हो जाएगा। भाई साहब बहुत ही मजबूत टी शर्ट है, फटे से ना फटेगी। बहुत ही शानदार है भाई साहब, एकदम मजबूत है। अरे भाई साहब दूसरी दिखाता हूँ। अरे ना भैया रहने दो, ये तो अंबुजा सीमेंट से बनी हुई लग रही है, इतनी मजबूत ना चाहिए। चलो जी चलो। भैया कोई अच्छा सूट दिखाओ इनके लिए। रुको भाई साहब अभी दिखाता हूँ। लो बहन जी बहुत ही प्यारा सूट है, पाकिस्तानी डिजाइन है ये। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ और दिखाओ भैया। रुको अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है। कितने रुपए का भैया? भाई साहब 1,800 रुपए का है ये। 1,500 रुपए बोल देता हूँ, ठीक है इसके। भैया 300 रुपए। 300 रुपए का नहीं होगा मैडम। भैया 300 रुपए ना एक कम ना एक ज्यादा। ले छोड़ो पैक कर दे। वैसे यार तुझे कैसा पता है 300 रुपए का दे देगा वो? मैं लड़की हूँ, मुझे पता 3,000 की चीज 300 में कैसे लेनी है। मेरे कपड़े भी तू ही लेने चलियो। अरे यार ये लड़का तो अच्छा लग रहा है, इससे बात करती हूँ। हाय। अरे तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? यार सुबह मेरे पापा से मेरी लड़ाई हो गई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद में सोचा कि गर्लफ्रेंड से शादी कर लूंगा, तो गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अच्छा। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अरे अब क्या फायदा, सोचा था कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला कर पी लूंगा, अब ये कोल्ड ड्रिंक भी तुमने पी ली। जहर है इसमें? अरे मुझे कुछ अरे आज का दिन ही खराब लग रही है। अरे ये क्या कर रहे हो? वही जो रोज करता हूँ, पोछा लगा रहा हूँ। पर हम तो होटल में हैं। बेवकूफ इंसान जल्दी उठो, कोई देख लेगा। अरे भैया क्या हो गया? अरे मैडम इसकी चाबी खो गई। अच्छा मैं कोई हेल्प करूं? अरे मैडम आप घर जाओ। अरे मैं हेल्प कर देती हूँ ना। अरे आप क्या हेल्प करोगी, आप तो खुद लड़की हो, घर जाओ चलो। ये चाबी लगा के देखना, क्या पता चल जाए। लाओ। अरे यही तो चाबी है इसकी। सारे चोर, ये मेरी स्कूटी है। तुम्हारी स्कूटी? यार बड़ा स्टार्ट करने वाला है। जी हेलो मैम, हम गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ी सी मदद आप भी कर दीजिए। रुक जाओ मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, वही देंगे। अच्छा बुला लीजिए। अरे राशिका सुनो, वो 100 रुपए दे देना, मुझे ऑटो से जाना है, एक दो दिन में वापस कर दूंगा। मैं नहीं दे रही, तुम्हें पिछली बार दिए थे, तुमने आज तक वापस नहीं दिए। इस बार दे दूंगा। नहीं देते हो तुम। अरे मैडम आपके पति को तो खुद चंदे की जरूरत है। चलो।